टेक से सीधा चांग, कौन सा है वो, चांगला पास, चांगला पास जो भी चीज आएंगी भाई दिखा दूंगा, शॉर्ट्स डाल दूंगा और बाकी टाइम लैप्स में डाल दूंगा सारी चीजें, देख लेना भाई और प्यार दिखाओ यार थोड़ा सा। चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करो यार, मेहनत लग रही है, टाइट लग रही है भाई, देख लो यार ओट ओट पटे पटे, मजा आ गया। वैसे व्यू बहुत प्यारा है भाई पेंगोंग का, बहुत ही ज्यादा, क्यों भाई पंडित जी मजा आ गई, बट पंडित जी को सांस नहीं आ रहा क्योंकि भाई गाड़ी कम से कम भी ना तो कितने मीटर खड़ी होगी दूर, 500 मीटर दूर है और यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड की वजह से ना थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होती है, देख सकते हो कितनी दूरी है यहाँ से, यहाँ गाड़ी खड़ी है और वहाँ लेक है। तो भाइयों ये देख रहे हो शांति स्तूप, रात जो है ना, रात यार मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि ना रात हमको बहुत ज़्यादा हो गई थी और इतनी वीडियो क्लियरिटी आती नहीं ज़्यादा, तो हम जो आए थे ना उस वाले रूट से आए थे क्योंकि हम गए थे ना नूबरा वैली और कौन सी है थांग वैली, नूबरा और सियाचिन गए थे, तो आगे से भी रूट है पेंगोंग आने के लिए, बट ये वाला जो रूट है ना भाई कहीं कहीं से बीच बीच में से टूटा हुआ है, बट जब लेह से आप निकलोगे पेंगोंग के लिए तो भाई ये भी अपना जो है एक रूट और है ये वाला, जो कि चांगला पास होते हुए आता है और सीधा फिर जो है ना ये पेंगोंग लेक के लिए सीधा निकलता है ये रास्ता सीधा। कितने सेकंड, भाई स्नोफॉल हो रही है लाइव, देख रहे हो आप कैमरे में भी दिखाई दे रहा है, ये रहा मजा आ रहा है गाइस, कड़ी चीज होगी पंडित जी, कड़ी चीज होगी गाइस, पंडित जी का ड्रीम पूरा होने वाला है भाई, स्नोफॉल में फोटो खींचेगी पंडित जी क्या देख लो भाई क्या सीन्स। टी सोल्टाक वेलकम्स यू, ये भाई पूरा आर्मी का बेस है यहाँ पे, यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है, तगड़ा आर्मी वाले नाच रहे हैं, स्नोफॉल हो रहा है भाई, ये करके दिखाओ स्नोफॉल में, स्नोफॉल हो रहा है, ये भी तो कह रही जलमुर्गी लोमड़ी और भेड़िया की बेकरी सब है, मैं यहाँ सब मिले, ऊपर देखो यार, ऊपर देखो कितनी बर्फ पड़ रही है, मजा आएगा चांगला पे, देखी जी आज क्या होगा भाई, पहुंचने वाले हैं चांगला पास, मजा आ रहा है चांगला पे, जल्दी पास, टेम्परेचर देखो 3 दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, अभी तो और डाउन जाएगा, हाँ 3 टेम्परेचर है भाई, अभी तो और डाउन जाएगा, ये स्नोफॉल हो रही है लाइव, अपने बच्चों ने भी छू ली स्नोफॉल है पंडित जी, बिच्छू की पहली स्नोफॉल और अपनी भी, हाँ। ना मैंने तो देख रखी है मनाली में, ना लास्ट टाइम आया तब भी हुई थी हल्की हुई थी, हाँ बट इस बार तो देख रहे हो आगे तो भाई ये शीशे पे भी आगे जम गई स्नोफॉल, सफेद ही सफेद है भाई, 1,00,000 रुपया दूंगा भाई मैं तो, और गारंटी के साथ दूंगा, तो सीधी बता दे गाड़ी, ठीक फिर देखो कहाँ करे तो, अब देखो कैसे गाड़ी में ही ले ले भाई, भाई सुन मार रहा भाई, टेम्परेचर एक आ गया भाई, हवा और चल रही है तेज, भाई 17,688 फीट, पंडित जी हो गया ड्रीम पूरा,
ओ भाई ओ भाई नजारे ही नजारे। कड़ी चीज गाइस, कड़ी चीज। क्यों विक्टर, कड़ी चीज, कड़ी चीज होगी। चांगला पास वहाँ है, बोरा पीछे। और भाई बर्फ बहुत है यहाँ, घर खरदुंगला पे भी नहीं है इतनी बर्फ जितनी बर्फ चांगला पे पड़ रही है। और खरदुंगला ना कितना है, 18,000 फीट है ना, और ये 17,688 है। 17,900 कुछ है। वैसे उसे बोलते 18,000 ही है भाई, ये 17,688 है। नजारे ही नजारे गाइस, वहाँ पे पंडित जी खड़े हुए अपने बोरे देख रहे हो गए आप उनको। विक्टर करियो, ऐप करियो। विक्टर मार रहा गाइस, पंडित जी के बर्फ नहीं जा पाई, पहुंच गए। पंडित जी खेल रहे हैं वहां पे, वो देखो लड्डू बना रहे हैं हाथों में। यहाँ सही से बनाना इसे, सुनोगे आप, सुनोगे वहाँ पंडित जी हमारे सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोई उनका फोटो नहीं खींच पा रहा भाई, क्योंकि हमारा हमने पहन रखे हैं स्लीपर्स, जूते भाई गाड़ी में रखे हुए हैं, बट बर्फ में जाने का बिल्कुल मन नहीं है मेरा। तो भाई ये पहुँच गए हैं खरू, अब यहाँ पे रुके हैं भाई अपना लंच वंच करने के लिए। अब यहाँ से निकलेंगे सीधा मनाली, क्योंकि रास्ते में तो कुछ मिलेगा नहीं और रात हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो सोच रहे हैं ये लंच कर ले, देख रहे हैं कुछ अच्छा सा रेस्टोरेंट। ये खड़ा अपना बिच्छू, ये खड़ा अपना बिच्छू, और भैया अपने टीम पूरी। तो भाई हमने खाना खाया था यहाँ नाइन प्लेस गेस्ट हाउस, 2017 में भी यहीं खाया था भाई खाना। तो अब निकल रहे हैं भाई हम मनाली के लिए, क्योंकि बज चुके हैं 4 खरू में ही। अब यहाँ से पहुँचते पहुँचते हो जाएगी हमें रात। तो भाई मेरे पीछे देख रहे होगे पुलिस चेक पोस्ट है,